नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में बौद्ध कथा के दौरान देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं विवाद होने से गाँव में तनाव का माहौल है, जिसके चलते पीएसी को तैनात कर दिया गया है। पूरा मामला मितौली थाना क्षेत्र के हरियरपुर गाँव का है। तो हम पूरी गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल जो घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है। सीओ साहब मौके पे हैं। यथा इससे यहाँ जो कोई दिक्कत की बात फिलहाल नहीं है, कानून व्यवस्था की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। एहतियातन या कुछ फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। हमने लोगों से बातचीत की है, इनकी बातें बहुत गंभीरता से सुनी है। हमने इससे अपील भी की है कि जो घटना हो गई है इसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और आपके साथ न्याय होगा, और पूरी घटना को हम संपूर्णता से देखते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जो भी दोनों पक्ष में से जो भी इस घटना के पीछे कारक रहा है या फिर कुछ दिक्कतें की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी जानकारी में कल ये मालूम हुआ दोपहर में कि किसी दूसरे पक्ष ने कुछ देवी देवताओं पे टिप्पणी की है जो कथावाचक हैं। इस संबंध में कुछ लोगों ने पुलिस चौकी मढ़िया बाजार में सूचना की, तो पुलिस चौकी मढ़िया बाजार में दूसरी पार्टी को जो वो कथावाचक और आयोजक को बुलाया गया था, तो वहाँ समझा बुझा करके गांव वापस कर दिया जाए कि अपना प्रोग्राम करिए, कोई अब अद्रभाषा प्रयोग न की जाए। तो उसके बाद में वो लोग चले आए थे, तो यहाँ आने के बाद में हम लोग तो पता नहीं था यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है, लाठी डंडे जो भी मारपीट हुई। इसमें ये हुआ, कल ये लोग अपनी कथा कह रहे थे, उसमें वो एक दिखाते हैं ड्रामा, उसमें ये जनेऊ पहनाते हैं अपने बिरादरी का, पंडित बनाते हैं, उसके बाद उसको गिरा करके खूब मारते हैं। कहते हैं पंडितों को ऐसे ही मारा जाता है, और ये देवी माता को वैश्या बताते हैं, और ये देवी माता का आठों दिन के रूप बता करके, वैश्या का रूप बता करके ये अपमानित करते हैं, और हमारे सभी देवता देवी देवताओं को पत्थर बताते हैं। ये लोग पत्थर कूदते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, और पूरा श्रवण जाति को अपमानित करते हैं। तो हम लोग इस प्रकरण को लेकर के अपने नज़दीक चौकी प्रभारी के पास गए थे, उन्होंने भेजा था पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन ये लोग बाद में आकर के इन लोगों ने गाली गलौज किया। तो हमारे तरफ से दो तीन लड़के खड़े होंगे, हम लोग तो खेत में थे, तो दो तीन लड़के खड़े थे तो उनको मारने लगे, फिर दो तीन और पहुंच गए तो उसमें मारपीट और झगड़ा हुआ है। ये कथा कर रहे थे, धम्म कथा, उसमें पंडितों का अपमान कर रहे थे, मंदिर और राम भगवान का ये सब अपमान कर रहे थे कि मंदिरों की मूर्ति तोड़ दूंगा। फिर हम लोग प्रशासन को देने गए तो एप्लीकेशन आज, तो दरोगा साहब ने लिया नहीं एप्लीकेशन, और बोला आए थे तीन सिपाही यहाँ तो समझा गए, तो ये इनके वहाँ की लेडीजे सब गरियाते हुए चली गई चौकी की तरफ, और फिर वो लोग आए उधर से तो यहाँ फिर हमारे आश्रम के पास गरियाने लगे, और कहे मंदिर तोड़ दूंगा जाके, हमारे वहाँ मंदिर बना है, तो ये लोग गाली देने लगे, अनाप शनाप पंडितों पे हमला कर दिया। और वो लोग 150-200 लोग आदमी थे, हम लोग यहाँ 5-6 लोग थे और सारे खेत में थे, मारने की पूरी व्यवस्था थे, वो लोग तैयार होके आए थे। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, बौद्ध कथा के दौरान देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूर जी, बिल्कुल आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का पूरा मामला है, जहां पर बौद्ध कथा के दौरान देवी देवताओं पर अवैध टिप्पणी की गई। उसके बाद में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो पड़ोस में पुलिस पिकेट है वहां पहुंचे, उन्होंने सूचना दी, पुलिस भी आई मौके पर और समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत किया। पुलिस के जाने के बाद में विवाद फिर से शुरू हो गया, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, करीब 9 से 10 लोग घायल हुए थे जिनको सीएससी मितौली ले जाया गया, वहां से 3 लोगों को लखीमपुर रिफर किया गया। उसके बाद में गांव में तनाव का माहौल देखते हुए जिले के आला अधिकारी कप्तान साहब भी मौके पर पहुंचे, सीओ पहुंचे, और पुलिस फोर्स एक कंपनी पीएससी भी गांव में तैनात की गई है। और अब जो मौके की स्थिति वो है वो लगभग शांतिपूर्वक है, और गांव में पीएससी और पुलिस तैनात की जा चुकी है, और दोनों पक्षों से पुलिस की तरफ से 9 लोगों पे मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है, और 3 लोगों का जो इलाज चल रहा है लखीमपुर, और आप देख सकती है कि यहाँ पर पीएससी मौजूद है, विद्यालय में पीएससी के बाकायदा रोडों पे
पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है, तो पूरी तरीके से गांव में सुरक्षा व्यवस्था जो तैनात की जा चुकी है। जिले के आला अधिकारी भी गांव में पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं। और जिस तरीके से जिन दो पक्षों में ये मारपीट हुई है, क्या उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आया है कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था? जी देखिए, दोनों पक्षों से हमारी वार्ता हुई है, विवाद जैसे ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि देवी देवताओं पर अवध टिप्पणी बहुत ही अपशब्द कहे जा रहे थे, जिसको लेकर हम लोगों ने समझाया। उसके बाद में विवाद शुरू हो गया, तो विवाद इतना बड़ा कि मारपीट, लाठी डंडे भी जमकर चले हैं, तो और करीब 10 लोग घायल हुए थे। और अब जो शांत व्यवस्था है, बिल्कुल शांतिपूर्वक है, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, PSC भी तैनात की गई है, जिले के आला अधिकारी बाकायदा कमांड भी कर रहे हैं। जी मयूरी, धीरज, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का अभी तक क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस प्रशासन ने दोनों तरफ से तहरीरें ले ली हैं, एक तरफ से 6 लोगों पे मुकदमा लिखा गया है, एक तरफ से 4 लोग हैं, और पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। हमारी कप्तान साहब से भी बात हुई है, तो पुलिस ने गहनता, कप्तान साहब ने साफ तौर से कहा है कि पूरी तह तक जाएंगे, जो भी इसमें आरोपी हैं बक्से नहीं जाएंगे, जो भी कार्रवाई बनती पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।